सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मग अप। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दैट इज एब्रिविएटेड एज CFS। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एज यू ऑल नो, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, ये हमारा एक्साइटेड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, जब उसकी स्प्लिटिंग होती है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। फर्स्ट इज T2G और दूसरा होता है हमारा EG। ठीक है, तो हमारा 5 होते हैं, तो T2G में हमारे 3 आते हैं और इस EG हमारे में 2 आते हैं। तो एज यू ऑल नो, जो T2G में फर्स्ट वाला हमारा DXY, देन हमारा DYZ, देन DZX। ठीक है, ये नेम होते हैं, इसका नेम होता है DX2। ये होता है हमारा DX2-Y2, ये इसका नेम होता है। जब इनको स्प्लिट किया जाता है तो इनके बीच में जो एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है, जो इसकी एनर्जी होगी वो इसकी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो जो इनके बीच में एनर्जी गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको हम लोग डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं, जो कि 10 DQ के इक्वल होता है। ये हमारा बैरिसेंटर होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें ध्यान से, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेल्टा नॉट और डी 10 DQ, वेयर जीरो, इट्स नॉट जीरो, इट्स ओ इन डेल्टा नॉट इंडिकेट एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ये डेल्टा नॉट हम लोग मतलब ओ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल का है। ठीक है, अगर ये टेट्राहेड्रल का होता तो हम लोग यहाँ पर ऐसे TH करके लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लानर का होता तो DSQ करके हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड CFSE। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है, दैट इज़ -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, डेल्टा नॉट प्लस NP। अब ये इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इसको D4 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 4 कर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है? तो N हमारा क्या हो जाता है? ये नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो हम यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी हमारी क्वेश्चन में हमें दी रहती है। T2G प्रेजेंस ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, ये जो दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, तो 3 फिल कर देंगे। EG में कितना प्रेजेंट है? तो 1 प्रेजेंट है। ठीक है, डेल्टा नॉट की बात आती है तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हम लोग इस नेम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ। सो आई विल मेक Part 2 ऑफ CFSE। इन दैट लेक्चर मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाई लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।